नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सबका डीएम यादव मिर्ज़ापुर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा यूपी अर्बिनल के थ्रू ये पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। ओबरा सी पावर प्लांट है, जिसमें ये सीचार्ड का एरिया है। सामने आपका जो देख रहा है ये आपका ESP एरिया है। ESP एरिया में आपका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये हमारा सीचार्ड एरिया में भी आपका 50% से ऊपर कार्य समाप्त हो चुके हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इस गर्मी के दिनों में, इतनी कड़ी धूप में मज़दूर कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये काम को जारी रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इनका सही से कंपनियां जो हैं सही से समय से पेमेंट नहीं दे रही हैं, जिसके कारण बेचारे मजबूर, लाचार, बेबस हमारे वर्कर भाई इस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ये है देखिए आपका सीचार्ड एरिया, कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ एरिया है, जिसमें सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी के पर्पस से यहाँ पे जो दुसान पावर सिस्टम है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़ाई से सेफ्टी का पालन करना पड़ता है। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, जिसके कारण एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद मृत्यु घोषित कर दिया गया था। इसलिए हमारा सभी भाइयों से, सभी वर्कर भाइयों से, काम करने वाले सभी बड़े छोटे भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी काम करें, हड़बड़ाहट ना करें, आराम से करें, सेफ्टी से करें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार की ख्याल रखते हुए अपने घर वापस जाएं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। और अच्छे से थोड़ा सा अपना, अपने परिवार का देखभाल करें, क्योंकि ये ज़िंदगी अब दोबारा नहीं मिलेगी भाइयों। ज़िंदगी एक बार जाने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। इसके लिए मेरी आप लोगों से यही अपील है कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सुरक्षित ढंग से काम करें और प्रेम से रहें, जिससे भी रहें प्रेम से। ये आपका पूरा सीचार्ड एरिया 50% से ऊपर काम हो चुका है।
ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट होने का एक अवसर मिले, जिससे मैं आपको कुछ रोचक चीज़ें और भी दिखाऊं, जानकारी दूं। धन्यवाद।